राजधानी लखनऊ प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल विद्यालय शिक्षक संघ का जनपदीय अधिवेशन व सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह मंगलवार को आयोजित किया गया। अधिवेशन में शिक्षक समस्याओं पर चर्चा की गई और संगठन की मजबूती पर बल दिया गया। अधिवेशन में शिक्षक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के भावी प्रत्याशी की उपस्थिति चर्चा की वस्तु बनी रही। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को दिन के 9 बजे से 12 बजे तक कोरोना काल के चलते ऑनलाइन मीटिंग की गई। उसके बाद अंतर जनपदीय से आए शिक्षकों से बात करते हुए शुरू अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्राथमिक शिक्षक संघ के महामंत्री व प्रदेश अध्यक्ष सुषमा जी ने कहा कि संगठन में एकता बहुत जरूरी है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग संगठन ने रख दी है, सरकार इसे अवश्य पूरा करेगी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि संगठन से ही शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मनीष त्रिपाठी की उपस्थिति चर्चा का केंद्र बिंदु में रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहित प्रदेश अध्यक्ष सुषमा व महामंत्री राजीव मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आर के पांडे माथुर, उपाध्यक्ष अनिल त्रिपाठी लखीमपुर खीरी, उपाध्यक्ष श्री ज्ञानेंद्र यादव आगरा, उपाध्यक्ष श्रीमती माया राव लखनऊ, संयुक्त महामंत्री श्री रामवीर सिंह, प्रभुनाथ तिवारी, हरदोई सिंह, सुनील प्रताप सिंह बुलंदशहर, श्री अरविंद कुमार गोरखपुर, श्रीमती रीता देवी गोरखपुर, संगठन मंत्री श्री रवि शंकर रावत बुलंदशहर, अनुज कुमार तिवारी कानपुर नगर, ओम प्रकाश यादव लखनऊ, कोषाध्यक्ष अश्वनी अनुत्री कुमार देहात अकाउंट, श्रीमान हरदोई आय व्यय निरीक्षक योगेंद्र नंदन दुबे ओरिया आदि पदाधिकारीगण सहित आदि लोग मौजूद रहे। ये तो अधिवेशन स्थगित चल रहा था, उसको कराया गया और प्रदेशी कार्यकारिणी का निर्वाचन किया गया। इसमें कहाँ कहाँ के लोग आए हुए हैं? कानपुर, जौनपुर, मथुरा, लखीमपुर खीरी, आगरा, लखनऊ, हरदोई, गोरखपुर और भैया और बाकी ऑनलाइन लोग जिले सम्मिलित हुए हैं। इससे आपका उद्देश्य क्या है? हमारा मेन उद्देश्य शिक्षक हित और शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। आपके संगठन को लेकर जो पदाधिकारी लोग हैं किस तरह के निर्देश दिए गए हैं संगठनों को, क्या हुआ कि अपने अपने जिलों में जाकर सक्रियता से और निर्भीकता से काम करें और अध्यापकों की समस्याओं को गौर से सुने और उन पर अमल करें और अधिकारियों से मिले वार्ता करें। यदि कहीं पर वो सफल नहीं होते हैं तो सीधे प्रदेशी पदाधिकारियों से कॉन्टैक्ट करके हम लोगों को बताएं तो हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ उनकी वार्ता कराएंगे अधिकारियों से। अपना निलंबन करा रहा है और उसके बाद इच्छित जगह पे अपना पदस्थापन